हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैंड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। दोस्तों, हम अभी अपना गणतंत्र दिवस 2022 में मनाने वाले हैं, तो आज का टॉपिक उसी के ऊपर है और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम अपना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, एक गणतंत्र होने का मतलब क्या है, इन सभी पहलुओं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि हम 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। दोस्तों, 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। यानी हमने अपना संविधान कब लागू किया दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन दोस्तों, हमारा संविधान बना कब था, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने इसको लागू 26 जनवरी को ही क्यों किया, इसके पीछे की स्टोरी क्या है दोस्तों। तो सन 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की जा रही थी। दोस्तों, उस समय अध्यक्षता करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि हम अपने पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, और 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। इसीलिए हमने यह फैसला किया कि हम अपना जो संविधान है वो लागू करेंगे 26 जनवरी को ही। तो इसलिए हमने 26 जनवरी का वेट किया और हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया दोस्तों। तो दोस्तों, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक रिपब्लिक होने का मतलब क्या है, कि एक देश रिपब्लिक क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम एग्जांपल लें ब्रिटेन का और भारत का, तो दोस्तों ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, उसमें राजतंत्र है। यानी वहाँ का राजा जो होगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार का होगा, जैसे क्वीन एलिजाबेथ है अभी। तो ऐसे ही भारत का राजा जो है वो एक परिवार से नहीं होता, वो चुना जाता है। तो जैसे कि हमारा जो राजा है, राष्ट्रपति है, वो लोगों द्वारा ही चुना जाता है और लोगों में से ही चुना जाता है। आप सभी में से कोई भी आने वाले टाइम में अपने देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो लेकिन जो ये सबसे बड़ा पद है वो लोकतांत्रिक रूप से चुना जाए, उसी को हम गणतंत्र बोलते हैं। इसीलिए हमारा देश जो है गणतंत्र है, हमारा राजा यानी राष्ट्रपति हमने चुन कर लाया गया है। तो ये एक गणतंत्र होने का मतलब है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस की 2022 की। तो दोस्तों, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में किसको आमंत्रित किया गया है। तो हमारे 2022 के गणतंत्र दिवस पर हमने मध्य एशियाई देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है दोस्तों। सेंट्रल एशिया के जो देश हैं दोस्तों, लगभग 5 देश हैं वो, उन सभी को हमने आमंत्रित किया है। तो दोस्तों, उनमें सबसे पहले जैसे कि हम बात करेंगे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी देश दोस्तों रशिया से अलग हुए थे 1992 में। तो ये सारे के सारे देश बाद में रशिया से अलग हुए थे दोस्तों। तो अब एक एक करके हुए इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहला देश जो है उज्बेकिस्तान, इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, ताशकंद। दोस्तों, इसके साथ हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो अभी हाल ही में हुई थी, जिसका नाम है 10 लिंक। तो ये दोस्तों 19 मार्च 2021 को रानीखेत उत्तराखंड में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, अशगबत। इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों, मानात। अब आगे तीसरा देश कौन सा है दोस्तों, वो है किर्गिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है, बिश्केक। दोस्तों, इसके साथ भी हम एक अपनी संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसका नाम क्या है, खंजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि खंजर एक्सरसाइज हमारी कौन सी कंट्री के साथ होती है, तो वो होती है हमारी किर्गिस्तान के साथ दोस्तों। यह अभ्यास 2011 में शुरू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है, दुशांबे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आता है कि कौन सी ऐसी सेंट्रल एशिया की कंट्री है जो लैंड लॉक है, यानी वो चारों तरफ जमीन से घिरी हुई, यानी उसके साथ कोई भी समुद्री तट नहीं लगता, वो एक लैंड लॉक कंट्री मानी जाती है जो चारों ओर जमीन से घिरी हुई होती है। तो तजाकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है, अस्ताना। दोस्तों, इसकी दूसरा नाम भी है राजधानी का, नूर सुल्तान। तो ये आपने याद रखना है दोस्तों। ये क्षेत्रफल के आधार पर इन सभी कंट्रियों में सबसे बड़ा है और ये दुनिया में 9वें स्थान पर भी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस बार हम कौन सा गणतंत्र दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं। तो हम इस बार 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। दोस्तों, 26 जनवरी को झंडा जो फहराया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है गणतंत्र दिवस पर। लेकिन 15 अगस्त पर जब हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं दोस्तों, उस टाइम पर लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है। ये आपने याद रखना है, 26 जनवरी पर हमारे देश का राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, लेकिन आज़ादी के महोत्सव पर हमारे देश का झंडा जो फहराते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री फहराते हैं दोस्तों। इस दिन दोस्तों हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड का भी आयोजन किया जाता है, जो
राजपथ पर इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक निकाली जाती है दोस्तों। इस परेड में दोस्तों हमारी तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं और साथ ही साथ बहुत सारी झांकियां भी निकाली जाती हैं और हर साल बेस्ट झांकी जो है वो भी चुनी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों 2021 की गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो कौन सी थी दोस्तों, वो राम मंदिर की झांकी यूपी की, उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। जैसे कि इस बार हम सेंट्रल एशियाई की कंट्री को आमंत्रित कर रहे हैं, तो इसी तरह हमने पहले कौन कौन सी कंट्रियों को आमंत्रित किया था तो वो भी आपने याद रखना है। जैसे कि 2019 की बात करूं मैं, तो 2019 में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को हमने आमंत्रित किया था। 2020 में हमने जेयर बोल्सोनारो को ब्राज़ील के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था। 2021 में दोस्तों हमने COVID-19 के चलते को हमारा कोई भी उस टाइम पर अतिथि नहीं रहा था दोस्तों, ये भी आपने याद रखना है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो जैसे कि COVID-19 चल रहा था, हमने बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया था, लेकिन COVID-19 के चलते इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी 2021 के गणतंत्र दिवस पर हमारा मुख्य अतिथि नहीं था दोस्तों। 2018 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो पश्चिमी एशियाई देश, ब्रिक्स देश, क्वाड देश, आशियान देश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आशियान देश दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।